वज़ीर-ए-आज़म की माउनी खुसूसी बरए इंसानी हुकूक मुशावर मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, कल जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ज़ाहरी बात है इंसानियत की तोहीन भी है, तजलील भी है, क्या समझती है इस फैसले के हवाले से? देखिए, ये इतनी बड़ी वॉयलेशन हुई है इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जनीवा कन्वेंशंस की, और ऊपर से बढ़ के जो UN की करारदादें हैं, और जो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जो RSS कहेगी, जो एक दहशतगर्द तंजीम है, पूरी दुनिया में उसका एक ट्रांसनेशनल टेररिज्म फैला हुआ है नेटवर्क, और जो नस्ल कुशी वो कश्मीर में करें, माइनॉरिटीज़ के साथ करें, कि वो उनके साथ खड़े हैं, कि वो क्रिमिनल्स के साथ, वो दहशतगर्दों की सपोर्टर है जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। इंसानी हकूक की तंजीमें और जो OIC है वो इस पर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है, क्यों खामोश इख्तियार की हुई है? देखिए, ये बड़ी बात है कि आप हम लोग मनाते हैं इतने ईयर से ह्यूमन राइट्स के डेज़ मनाते हैं, रिस्पेक्ट डिग्निटी के कितने चार्टर्स हैं, स्पेशली यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर को अगर हम देख लें, कितनी ज़्यादा लेजिस्लेशंस हैं, मगर जब बात आती है कश्मीर की और पैलेस्टाइन की, जिनके लिए ये यूनाइटेड नेशंस असल में बना था कि इनको आज़ाद किया जाए, उनके हक़ की खुदरादियाँ दिया जाए, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कोलैप्स हो रहा है पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, और उसके बाद अब यही नज़र आ रहा है कि जो एग्रेसर्स हैं, माइट इज़ राइट, और वो उनको कुछ भी कर लें तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, दे विल गो स्कॉट फ्री। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म की मौनी खुसूसी बरए इंसानी हुकूक मुशावर मलिक साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी, और उनका ये कहना था कि सुप्रीम को इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला है वो इंसानियत की तजलील भी है, तोहीन भी है, और इस पर जो ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो खामोशी है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि इस पर जो है कम अज़ कम अब लबकुशाई करनी चाहिए। जी।